को कभी भी किसी पर डिपेंड मत करना। अपनी खुशियों की वजह कभी किसी दूसरे इंसान को मत बनाना। जैसे ही आप किसी इंसान को अपनी हर खुशी की वजह बना लेते हैं, आप उसकी नज़र में अपनी इज्जत खो देते हैं। आपकी वैल्यू कम हो जाती है। जिंदगी में रिश्तों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिश्तों के बिना ये जिंदगी अधूरी सी है। पर रिश्तों से बढ़कर आपकी जिंदगी का गोल है, रिश्तों से बढ़कर आपकी मंजिल है। जैसे ही आप अपने सपनों को छोड़कर, अपने गोल को छोड़कर किसी इंसान के पीछे लग जाते हैं, तो आप अपनी वैल्यू कम कर देते हैं, उस इंसान की नज़र में भी और खुद की नज़र में भी। कई लोग पूछते हैं कि हमने जिसे बहुत प्रेम किया वो हमारी वैल्यू नहीं करता, जबकि हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वो वैल्यू इसलिए नहीं करता क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का गोल उस इंसान को बना लिया है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का सेंटर उस इंसान को बना लिया है। जब भी आप अपने गोल को छोड़कर, अपने ड्रीम्स को छोड़कर किसी इंसान को अपनी लाइफ का सेंटर बना लेते हैं, तो आपकी जिंदगी बहुत बुरी हो जाएगी। इंसान धोखा दे सकते हैं, पर आपके सपने नहीं। आपके सपने हर पल खुशी देंगे, पर इंसानों का कोई भरोसा नहीं। लोग कब बदल जाएं कुछ पता नहीं। जब भी लोग आपसे कहते हैं कि आप उनके लिए बहुत खास हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, तो उनकी बातों पर कभी विश्वास मत करो। लोग सबसे ऐसा कहते हैं, और यही सच है। इसे आप जितना जल्दी समझ लें उतना आप खुश रहेंगे। आप लोगों की जिंदगी से थोड़ा दिन गायब होकर देखिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई अपनी लाइफ को इंजॉय करता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना एक बात, लोग अगर आपके बिना खुश हैं तो उन्हें आपके बिना ही रहने दो। जब भी किसी इंसान के पीछे आपको जाना पड़े, किसी से गिड़गिड़ाना पड़े, किसी का अटेंशन मांगना पड़े, किसी का टाइम मांगना पड़े, किसी को याद दिलाना पड़े मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, तो समझ जाना कि आप एक गलत इंसान के साथ हैं। जो सच में आपकी वैल्यू करेगा, आपके लायक होगा, वो आपको खुद से दूर कभी नहीं जाने देगा, चाहे आप उससे लाख दूर जाने की कोशिश करें। जिसकी जिंदगी में आप सच में वैल्यू रखते हैं, वो आपको एहसास करा देगा कि आप उसकी जिंदगी में कितने स्पेशल हैं। शब्द बोलना बहुत आसान होता है। शब्द तो हर झूठा इंसान बोल सकता है, पर एहसास सिर्फ वही करा सकता है जिसके लिए आप सच में खास हैं। और अगर आपको एहसास नहीं हो रहा कि आप उसके लिए कितने खास हैं, तो बिलीव इट, जैसा दिख रहा है वैसा ही है। अगर किसी के पीछे पढ़ना पड़े, किसी के पीछे जाना पड़े, किसी पे डिपेंड होना पड़े, इट मीन्स यू आर इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप। इसका मतलब तुम गलत रिश्ते में हो, तुम गलत इंसान के साथ हो। सही इंसान के पीछे नहीं जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपके साथ साथ चलेगा। ना उसे आपके पीछे आने की जरूरत है, और ना आपको उसके पीछे जाने की जरूरत है, क्योंकि उसका और आपका हर कदम साथ होगा। और जहाँ किसी इंसान के कदम आपसे अलग जा रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, और आपको उसके पीछे जाना पड़ रहा है, मतलब आप दोनों की मंजिल अलग अलग है। वो इंसान आपके लिए नहीं बना, और आप उसकी बुराई ना करें, उसे माफ कर दें, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में वो कर रहा है जो वह करना चाहता है। अब आप सोचो आपको क्या करना है। आपको जो करना है, आप उस डायरेक्शन में जाएंगे, या बार बार उस इंसान के पीछे जाकर खुद की इंसल्ट कराएंगे। लोगों को इतनी अक्ल नहीं आती, इतनी समझ नहीं आती, इतनी इंसल्ट होने के बाद भी जब वो इंसान आपको भाव भी नहीं देता, जब वो इंसान आपको अपनी लाइफ में प्रॉपर जगह नहीं देता, आपकी वैल्यू नहीं करता, तो भी आप उसके पीछे मरते रहते हैं। आपको क्लियर दिख रहा है कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है। प्यार एक एहसास है, ये बोल के नहीं करके दिखाया जाता है। और जब आपको ये एहसास नहीं हो, तो आप उस इंसान से खुद को अलग कर दीजिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है आपके रिश्ते में। बात मानिए, लोग आपके बिना बहुत मजे में रहेंगे। अब आपको चुनना है कि आपको उनके लिए रोना है या बेहतर भविष्य के लिए कुछ करना है। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो कभी भी नेवर डिपेंड योरसेल्फ ऑन एनीवन। कभी भी खुद को किसी पर डिपेंड मत करना।
हाँ, बस पेरेंट्स ही हमारे लिए ऐसे होते हैं जिन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उन पर हम डिपेंड रह सकते हैं क्योंकि उनके साथ हमारा कनेक्शन है। बाकी पेरेंट्स के अलावा किसी और का हमारे साथ इमोशनल कनेक्शन हो, ये बहुत मुश्किल है। तो जिंदगी में अगर कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं और यदि खुश रहना चाहते हैं तो अपने सपनों को पूरा करो, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ो। अपने मन में किसी के लिए नफरत मत रखो। लोग वही करते हैं जो वो चुनते हैं। जो उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए चुना वो किया। अगर लोग आपके प्यार के बदले आपको प्यार नहीं देते तो कोई बात नहीं। याद रखना एक बात, अगर आपकी लाइफ में कोई गलत इंसान भगवान ने दूर किया है तो विश्वास रखना वो उन्होंने इसलिए दूर किया है क्योंकि आपकी जिंदगी में वो किसी राइट इंसान को भेजेंगे, किसी सही इंसान को भेजेंगे जो आपके प्यार के लायक हो, जो आपकी वैल्यू करे, जो आपकी रिस्पेक्ट करे। और जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां आपकी वैल्यू ना हो, वहां आपको होना ही नहीं चाहिए। हाँ, आसान नहीं है। किसी इंसान से जब आपका प्रेम हो जाता है उससे दूर होना बहुत तकलीफ देता है, पर आप विचार करके देखो जब आप उसके साथ थे तब आपको कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उससे तो अच्छा है आप तकलीफ सह लो, क्योंकि जब आप उसके साथ थे तब वो इंसान आपको पल पल रुलाता था, पर आप जब उससे अलग हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके आप वापस अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। और बहुत लोग हैं दुनिया में जो आपके प्यार की कदर करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, पर फिर भी ये बात याद रखना कि आप खुद को कभी भी किसी भी इंसान पर डिपेंड ना करें। आपका गोल आपके ड्रीम्स हों, आपकी मंजिल हों। रिश्ते आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, रिश्ते आपकी जिंदगी में भावनाएं भरते हैं, रिश्ते आपकी जिंदगी में प्रेम भरते हैं। अगर रिश्ते आपकी जिंदगी में प्रेम नहीं भर रहे, आपकी जिंदगी को खूबसूरत नहीं बना रहे, तो वो रिश्ते आपके लिए नहीं है। आप उन्हीं रिश्तों से जुड़िए जो आपकी जिंदगी में प्रेम भरते, और अपना लक्ष्य सिर्फ अपनी मंजिल को बनाए, किसी इंसान को नहीं।